हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है और ये पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं, इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर इनका इरादा क्या है आपको लेकर, आपके साथ के इस रिश्ते को लेकर, ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के, आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपके सामने आ रही है तो डेफिनेटली उस चीज़ को यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा समझिएगा कि यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई मैसेज सेंड करना चाह रही है, आपसे कुछ कहना चाह रही है। तो उस चीज़ को देखिएगा, उसे अप्रिशिएट कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में ना ग्रेटिट्यूड देने का आप अभ्यास कीजिएगा, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा असर लेकर आएगा, बहुत बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में इस एटीट्यूड से आएंगे, ठीक है व्यूअर्स। बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें रीडिंग के दौरान। और चलिए देखते हैं करंट में पर्सन किस एनर्जी में है एंड इनका अब इरादा क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज रिमाइंड, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। प्लीज रिमाइंड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ओके, हेल्पलेस एंड होपलेस, शाइन, गिविंग एंड रिसीविंग, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। कमिंग टुगेदर एंड बॉटम की एनर्जी है सीक द ट्रूथ। ओके, ठीक है। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे तीन एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका एयर एलिमेंट, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपका वाटर एलिमेंट, यानी कि आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपकी लियो की एनर्जी है। नंबर्स के बारे में बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पे 8, 19, 10, 1, 6, 2 एंड 7 ये दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ एंड जनवरी मंथ, जून, फरवरी और जुलाई, ये मंथ्स मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे या तो डायरेक्टली जुड़े हुए हो सकते हैं या इस पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में इन मंथ्स में या इतने वक्त पहले हुआ, ऐसे करके आप ले सकते हैं, या कुछ बहुत बुरा इस पल में आपकी ज़िंदगी में हुआ जो आपके मन से आज तक निकल नहीं रहा है, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। देखिएगा व्यूअर्स, अगर करंट एनर्जीज के बारे में मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना हर एक सच को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि इस पर्सन को कुछ नहीं पता कि इनसे क्या गलती हुई या इन्होंने क्या यहाँ पर दिया, क्या नहीं दिया या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पर्सन के सामने अनदेखा हो, अनछुआ हो या फिर अनकहा हो, ठीक है। ये पर्सन हर एक सच को जान रहे हैं, और जितना ज़्यादा इस पर्सन के सामने सच आ रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा इस पर्सन की जो लड़ाई है वो अपने आप से वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है या और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा सच इस पर्सन के सामने आ रहा है, चाहे वो अपने आप को लेकर हो व्यू, या अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड एनर्जी है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो या किसी भी फॉर्म में वो आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी क्यों ना इन्वॉल्व हुई हो, तो ये पर्सन उसके रिगार्ड ही अगर किसी तरह के सच को जान पा रहे हैं, यानी कोई सच पता चल रहा है ना,
तो बेसिकली इनकी जो लड़ाई है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है उस एनर्जी में ये अपने आप को पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई तो कॉम्प्लिकेट हो रही है, लेकिन उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पे होप खो रहे हैं, उम्मीद खो रहे हैं, या उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। जैसे कि होता है इंसान कभी कभी ऐसे हालात में आकर फंस जाता है, स्टक हो जाता है या हो जाती है कि वो वैसे तो हर जगह पे लड़ पा रहा है या लड़ पा रही है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उसके सामने वो बिल्कुल एकदम से लाचार हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता या कर पाती। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। हो सकता है देखिए व्यूअर्स कि आप लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड एनर्जी है, इनके पेरेंट्स हो, इनके परिवार वाले हो, इनके सिबलिंग्स हो, इनके घर के मेम्बर में हो सकता है, या भाई यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिससे इनके लिए इतना आसान नहीं है वहाँ से निकल पाना। तो यहाँ पर ये पर्सन सब सच जान रहे हैं, इन्हें सब सच दिख रहा है, लेकिन ये लड़ाई इनकी ऐसी है जिससे ये लड़ नहीं पा रहे। और अगर यहाँ पर खुद का सच है कि भाई ये आपको लेकर कितने टॉक्सिक हुए, इनका नेचर आपको लेकर यहाँ पर कितना गलत हुआ, तो भी वहाँ पे लड़ाई अपने आप से है जो ये पर्सन जीत नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, या उन सभी चीज़ों को लेकर एकदम हेल्पलेस ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। इस वक्त में भी ये पर्सन एक ऐसी दुविधा में अपने आप को पा रहे हैं, खड़ा हुआ एज इन कि किस डायरेक्शन में जाया जाए। एक तरफ अपने हैं, अपने परिवार वाले हैं या खुद है ये, और एक तरफ का रास्ता इन्हें आपसे जोड़ रहा है, आप दोनों को करीब लेकर आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है, इनके फ्यूचर को स्टेबल कर रहा है, इनके फ्यूचर को बेहतर कर रहा है, और एक तरफ का जो रास्ता है वो रास्ता है जहाँ पर इन्हें मिला है। ठीक है, अगर परिवार वाले हैं तो वहाँ पर इन्हें मिला है, उन्होंने इनकी खुशियों के लिए बहुत कुछ करा है, और अब बारी इनकी है, अब कहीं ना कहीं इन्हें वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, इन्हें उनकी खुशियों का ख्याल रखना है, उनके फैसले का इन्हें सम्मान करना है, मान रखना है, या अगर ये किसी रिलेशनशिप में है जहाँ से इनका बाहर निकल पाना डिफ़िकल्ट है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जहाँ पर अब इनकी बारी है देने की, या इनके चाहने ना चाहने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें वहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स देखो अपने आप को एक ऐसे क्रॉस रोड पर करंट में पा रहे हैं जिसमें इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ की खुशियाँ देखनी है, अपनी यानी कि मतलबी बनना है, या उन लोगों की खुशियों का ख्याल रखना है जिन लोगों ने अभी तक मुझे खुश रखने की हर वो कोशिश करी जो उनसे बन पा रही थी। अगर पेरेंट्स भी हैं और उन्होंने इनकी कहीं शादी कर दी है, अरेंज्ड मैरिज ही क्यों ना करी हो, तो एक मन में इनके ये थॉट है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी खुशियों के लिए ही ये फैसला लिया होगा, तो इन्हें वहाँ पे भी देखना है। तो एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन करंट में है कि ये पर्सन आपके साथ को बिल्कुल पाक, बिल्कुल प्योर मान रहे हैं, इस रिश्ते को एक सोलमेट कनेक्शन मान रहे हैं, इस रिश्ते का सच ये पर्सन जान रहे हैं, लेकिन उस सच को जानने के बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा पा रहे हैं जहाँ पे पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं। दोनों ही तरफ को लेकर उम्मीदें नहीं हैं कि जिस तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर अल्टीमेटली कितना दे पाएंगे या कितना ये ले पाएंगे, एज एन उन्हें कितना दे पाएंगे जो थर्ड पार्टी है, या फिर आप की तरफ बढ़कर इन्हें कितना मिल पाएगा। तो एक मन में इस पर्सन के व्यूअर्स इस पल में जैसे कि घबराहट चल रही हो कि एक इंसान को जब फैसला लेना पड़ता है ना, बहुत बड़ा ज़िंदगी का जैसे फैसला लेना है, और वो इंसान कंफ्यूजन में है कि मैं किस तरफ बढूं। तो ये पर्सन अपने आप को उसी एनर्जी में पा रहे हैं, उसी जगह पर खड़ा हुआ तो पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें इनके लिए इस पल में, इस घड़ी में आसान नहीं हो रही हैं, एक अलग ही डर है इनके मन में, जिस भी तरफ अगर रहते हैं तो उस तरफ किस तरह से बंद कर रह जाते हैं, किस तरह से ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं, इन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि फैसला लेने से पहले की घबराहट इस पर्सन के दिल में है, और इसी के चलते ये पर्सन आपको अपनी साइड से आपके साथ रहने की जो इच्छा भी है ना, उसे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब खुद में ही खुद
ही मन में इतने डाउट्स हैं, तो आपको किस तरह से ये श्योरिटी दे दें, या आपके साथ रहने की इच्छा मन में उमड़ रही है लेकिन उम्मीदें यहाँ पर इन्हें बिल्कुल ज़ीरो मात्र दिख रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ हर तरह से ये पर्सन अपने आप को ट्रैप्ड पा रहे हैं कि अगर आपको छोड़ते हैं और दूसरे फैसले का मान रखकर, अपने परिवार का मान रखकर, थर्ड पार्टी का मान रखकर उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो पता नहीं ये कितना अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे या कितना ये यहाँ पर फंस कर ट्रैप्ड होकर रह जाएंगे। जैसे कि होता है ना कि भाई अभी तो यहाँ पे फैसला लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद पता नहीं आप कितना फंस कर रह जाओ, निकल पाओ या ना निकल पाओ। तो ऐसे हालातों में, ऐसी जगह पर ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि चलो ये तो पर्सन कंफ्यूज है, इन्हें तो श्योरिटी नहीं हो रही है, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस जगह पर खड़े होकर ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, इनका इंटेंशन आपको लेकर क्या है, तो ये चीज़ें हम टैरो से देखते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इस एनर्जी के साथ इस जगह पर खड़े होने के बाद व्यूअर्स के पर्सन का इरादा व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस व्यूअर्स को लेकर इस जगह पर आकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। देखिएगा यहाँ पे है आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। भाई आपको लेकर इरादा तो इनका कुछ अलग ही डायरेक्शन में इन्हें लेकर जा रहा है, गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन का इंटेंशन व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो देखिएगा मैं राशियां आपको बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आ गए हैं व्यूअर्स, और यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है। देखिएगा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि, तो सभी राशियाँ यहाँ पे हैं बहुत क्लियरली। ठीक है व्यूअर्स, नंबर्स के बारे में मैं एक और बार आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे मुझे यहाँ पे आपके लिए नंबर 11, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना आपको लेकर तो जो इरादा रखते हैं वो पॉजिटिव ही रखते हैं, यानी कि इस पर्सन का इरादा इस रिश्ते में जीत हासिल करने का ही है या आपको पाने का ही है। मतलब आपको ये अपने आप से दूर नहीं जाते देख सकते, ना देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ वैंड्स। ये पर्सन इसी रिश्ते में बने रहना चाहते हैं या इसी रिश्ते में इस पर्सन को जीत चाहिए, और ये इनका ये इरादा है कि जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं या कहीं ना कहीं इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, दो राहों पे इन्हें खड़ा कर रहे हैं, वो लोग भी इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कहें। मतलब एक होता है ना कि एक बार कोई मुझसे बस ये बोल दे कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि अगर इनके परिवार वाले या थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से आज़ाद कर दे, इस रिश्ते से इन्हें बाहर कर देना, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। बस इन्हें एक सहारे की ज़रूरत है, ऐसे मोटिवेशन की, एक ऐसे गाइडेंस की, एक ऐसे रास्ते की इन्हें ज़रूरत है, जिसके बाद ये अल्टीमेटली जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ इसी चाहत, इसी इरादे की वजह से ये पर्सन ना आपके ऊपर निगाहें भी रखते हैं। मतलब इस पर्सन ने ना, यानी कि इस पर्सन की निगाहें आपके ऊपर हैं विद दिस प्रिंसेस ऑफ सोर्स। चांसेस हैं आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई थी। ठीक है, और जो भी है एनीवेज, यहाँ पर ये पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब आपको ढूंढने का, आपके बारे में जानकारी हासिल करने का जो एक माध्यम बचा है ना, वो बस सोशल मीडिया बचा है। उसमें भी आपने अपने आप को कितना हाइड करा है और कितना ओपन करा है वो आप ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के पास बस आप तक
पहुंचने का, आपके बारे में जानकारी हासिल करने का सिर्फ माध्यम वो सोशल मीडिया है, और ये उसके थ्रू आपको इसीलिए देखते हैं, स्टॉक करते हैं, उस पर आपको इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनका इरादा इसी रिश्ते में मेहनत करने का है विद दिस चैरियट। इसी रिश्ते में जो मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे, जिस तरह से रिश्ता फ्लो में जा रहा था या जिस मुकाम पर इस रिश्ते को पहुंचना चाहिए था विद दिस टेन ऑफ कप्स, यानी कि मैरिज हो जानी चाहिए थी, कमिटमेंट में आ जाना चाहिए था, या ऑलरेडी कमिटेड थे तो बच्चे हो जाने चाहिए थे, बच्चे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर अब डिसाइड हो जाना चाहिए था, कहाँ स्टडी करनी है, कहाँ स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें मिलेगी। तो यहाँ पर इस पर्सन का इरादा डेफिनेटली ऐसा ही है कि इसी रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, और वही इरादा इन्हें आपको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स भी करता है। ये पर्सन इवन अपने इस इरादे की वजह से आपको लेकर जो इनके मन में एक पैशन है ना, उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो ये पर्सन यहाँ पे दो राह पे खड़े हैं। देखिएगा, बेसिकली इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी सिचुएशन यहाँ पर सभी चीज़ों को साथ लेकर चलने दे नहीं रही है इन्हें। ठीक है, जैसे कि एक होता है इंसान के दिल में ये चीज़ें होती हैं कि भाई सब खुश नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ ना, तो एटलीस्ट मेरे परिवार वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, उन्हें कोई पेन ना हो, या अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, कमिटेड है, तो भाई एटलीस्ट उसका भी भला रहे, उसके साथ बुरा ना रहे, कहीं उस चीज़ का असर मेरी ज़िंदगी पे ना पड़े। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि किसी पॉइंट पर इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि मेरे एक एक्शन लेने के बाद सबकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, सबकी लाइफ में उथल पुथल ना हो जाए, जिसके चलते अपनी चाहत जो इनकी आपसे जुड़ी हुई है, जिसके चलते इनकी भावनाएं जो आपसे जुड़ी हुई है विद दिस किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन उसे यहाँ पे पीछे कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं कि इन चीज़ों से भी अल्टीमेटली ये किसी का तो दिल दुखा रहे हैं, वो हो आप, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें तो ये पर्सन अनफेयर कर रहे हैं, अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के लिए ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं हो रही है, वो ये पर्सन फील कर रहे हैं। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना, जैसे कि इस इरादे की वजह से सभी की लाइफ में खुशियाँ रहे, पॉजिटिविटी रहे, उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एज एन कि आप भी इनकी ज़िंदगी में रहो, अगर आप मैरिड हो तो ये मैरिज लाइफ इनकी जो है वो सही तरह से कामयाब हो जाए, या अगर आप लोग मैरिज करना चाहते थे तो वो इनका सपना पूरा हो जाए। तो इरादा इनका इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव ही है, मतलब ये इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर अभी भी वो पैशन, वो जुनून रखते हैं। लेकिन अगर तुम दो नाव पे पैर रखना चाहते हो, सबको खुश रखना चाहते हो ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ज़िंदगी की भूल है। अगर तुम देखो एक कुएं में भी बैठोगे, अगर तुम मेंढक ही हो और कुएं में बैठे हो ना, तो तुम वहाँ पे हर एक मेंढक को खुश नहीं रख सकते हो। इस पर्सन को ये चीज़ें समझनी होंगी, लेकिन ये पर्सन लगे पड़े हैं सारे मेंढकों को खुश रखने के चक्कर में, जिसके चलते ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचता है या सोचती है, अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट वही इंसान यहाँ पर दुखी रह जाता है या रह जाती है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, और इनके दिल में ये है कि जिस भी फैसले के साथ बढ़े ना, उससे दूसरा जो पर्सन है ना वो भी खुश रहे, वो भी अपनी ज़िंदगी में परेशान ना हो, उसकी एक होता है ना इंसान को कि उसका दिल ना दुखे। तो ये पर्सन ना इरादा इस रिश्ते को लेकर वही रखते हैं जो पहले था, कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, पॉजिटिविटी हो, और एक दूसरे को पाने के लिए वो मेहनत हो, वो एफर्ट्स हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे खुद से ही कंट्रोल कर रहे हैं, खुद से ही उसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, या खुद से ही उसका गला घोट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है जिसके चलते हर्ट आप भी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के केस में तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, और कुछ लोगों के केस में वही चीज़ है कि ये कुएं में बैठकर ये हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं जो ये कॉन्सेप्ट लेकर चलना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स,
चलिए देखते हैं इस इरादे के साथ आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए इस इरादे के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन, तो देखिए आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि इन्होंने अभी भी आपका फ़ोटो अपने फ़ोन में रख रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये आपको ढूंढ रहे हैं ऑब्वियसली, तो मोबाइल तो इनके हाथ में जैसे 24 घंटे ही रहता हो। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत कुछ कहना है आपसे, लेकिन जब ये खुद ही यहाँ पर अपने आपको श्योर नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे आकर कैसे ये कुछ कह दें। I did not mean to hurt you, आपसे कहना चाह रहे हैं ये कभी भी नहीं चाहते आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, आपको परेशान करना। Sometimes I wish I never met you, और आपसे कहना चाह रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ, काश हम लोग मिले ना होते तो तुम्हें इतनी दुख तकलीफ का कारण मैं ना बना होता या मैं ना बनी होती, तो आपसे ही कहना चाह रहे हैं। I want you here next to me, आपसे कहना चाह रहे हैं मेरी इच्छा आज भी अभी भी यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, यानी कि एक होता है ना इंसान के दिल में कि भाई मैं ही तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनूं, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं जो आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, मैं आपको अगेन कहना चाहूँगी हर रीडिंग हर एक इंसान के लिए नहीं होती है, अगर कुछ ऐसे ही सिचुएशन आप लोगों के लिए है तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं बस वो बता रही हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं कुछ का कुछ बताती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपसे रिलेट करे, ये तो आपके दिल को या आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। I want to talk to you but I'm just scared, तो बात करने की बहुत ज़्यादा इस इंसान की इच्छा है लेकिन मन में एक डर है कि आपसे क्या बात करेंगे, या अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आपको हर्ट ना कर दें या आपको पूरी तरह से खोना दें, तो वो डर इनके मन में चल रहा है। I talk to you a lot in my head, और इसी के चलते ये पर्सन ना आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन अपने दिमाग में कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि चलिए ठीक है, माना इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनकी ये मजबूरी चल रही है या फिर ये आपको लेकर ये इरादा रख रहे हैं, अल्टीमेटली एंड द रिज़ल्ट इस रिश्ते का क्या होगा, क्या ये रिश्ता इसी तरह से चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा या फिर ये जुड़ेगा, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं दूसरे डेक से व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड बॉटम है आपका चैरियट, जो ये चाहते हैं मेहनत करना। देखिएगा व्यूअर्स, इस रिश्ते में जो भी होगा वो यूनिवर्स डिवाइन जो है वो तय करेगी, ऑलरेडी उसने डिसाइड कर रखा है। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में आज अंधेरा है काले बादल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेंगी। इस रिश्ते में डेफिनेटली एक मोमेंट आएगा, इस रिश्ते में मेहनत होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और यहाँ पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए फाइट भी करोगे अपने अपने तरीके से, ठीक है। जिसमें हालांकि जो मेन फाइट है ना वो इस इंसान की है जो ये करेंगे। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, अगर बिल्कुल नहीं होती तो मैं आपको उसी वे में कहती कि देखिए अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं जैसे कि ये पर्सन जो अभी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे सबकी खुशियों के चलते, अल्टीमेटली ये स्ट्रेंथ जुटाएंगे, ये मेहनत करेंगे यहाँ पे, और इस रिश्ते में होगा इनके माध्यम से, लेकिन वो डिसाइडेड जो है वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। जैसे कहते हैं ना कि देखो जब काम बनने होते हैं ना तो वो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, और जब काम नहीं बनने होते तो आप कितने भी एफर्ट कर लो फिर नहीं बनते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस रिश्ते में होगा व्यूअर्स, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स और उनके पार्टनर के इस कनेक्शन के बारे में बताइए, इस कनेक्शन का क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए, गाइड कीजिए।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं यूनिवर्स या डिवाइन एक मौका देगी, जिसमें आप दोनों के ऊपर है, आप इस मौके को कितना अच्छे से ग्रैब करते हो, कितना अच्छे से लेते हो और कितना अच्छे से नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की सोच के ऊपर अब डिपेंड करता है। इस रिश्ते को मौका मिलेगा, लेकिन वो जो मौका मिलेगा वो यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो यहाँ पर ये पर्सन जो अभी अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं मार रहे हैं, यही पर्सन यहाँ पर हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स को आपके सामने डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे, और ना केवल सिर्फ आपके सामने ये एक्सप्रेस करेंगे, ये उस सेकंड पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसके सामने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, उनका दिल किस तरफ बढ़ने का है, या ये इस रिश्ते में, मतलब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, ये इसी में बढ़ना चाहते हैं, इसी में रहना चाहते हैं, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, तो देखिएगा अगर आप इस कनेक्शन में इनका वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि आपका वेट करना यहाँ पे बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ इतनी देर से, कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे वर्क कर रही है आप दोनों के कनेक्शन पर, आप दोनों को रीयूनाइट कराने के लिए, एक मौका आप दोनों को देने के लिए। डिपेंड करता है आप दोनों इसे कैसे लेते हो, यहाँ पर ये पर्सन कैसे लेते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर कोशिशें होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। मुझे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ तो देखिएगा अगस्त मंथ की दिख रही है, और कुछ लोगों के केस में ये लंबा भी जा सकता है, इस पर्सन की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितनी जल्दी वो स्ट्रेंथ जुटा पाते हैं और कितनी जल्दी इस चीज़ को एक्चुअली में सही मायने में ही रिजॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि हो सकता है भाई कुछ लोगों के केस में 20 वीक्स तक भी ये पर्सन ले ले तो उसके भी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे अगस्त मंथ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पसंद आती है, तो आप बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा व्यूअर्स, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आऊँ, और आप लोगों का साथ मुझे इसी तरह से मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो को लेकर आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।